कोरोना संकट में घर घर खाना पहुंचाने वाले ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़े लोगों के घरों में अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतें। पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि ने फूड डिलीवरी कर्मचारियों के जीवन को खासा प्रभावित किया है। कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण गर्मी, आंधी तूफान आए या फिर मूसलाधार बारिश, हर मुश्किल को पार कर ये कर्मचारी घर घर ऑर्डर डिलीवर करते हैं। लेकिन पेट्रोल के शतक मारने के बाद इन्हें अपने परिवार के पेट को भरने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पहले जहां ये एक ऑर्डर के मिनिमम 40 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उस ऑर्डर के 18 से 20 रुपए ही मिल पाते हैं। दो महीने पहले रोजाना 1000 रुपए की कमाई होती थी, अब सिर्फ 500 से 700 रुपए की ही कमाई हो पाती है। दिक्कत तो सब बहुत हो रही है सर। पहले तो चलो पेट्रोल के दाम कम थे तो कोई दिक्कत नहीं थी अर्निंग करने में हमें। अब इस टाइम 100 रुपए पेट्रोल हो रखा है तो फिर हमें बहुत दिक्कत हो रही है। 700-800 के काम में 9 घंटे की शिफ्ट में वही 100 रुपए से ऊपर का तेल पड़ जाता तो वही 500-600 रुपए का काम हो जाता था, और उससे पहले 1200-1300 का काम हो जाता था, यानी 1000 से ऊपर हो जाता था 9 घंटे के टाइम में, तो हमारा कुछ मुनाफा हो जाता था क्योंकि उस टाइम तेल का भी कम थोड़ा वो इशू नहीं था कि इतना प्राइस था। इससे हमारे काम में बहुत असर पड़ा है। पहले हमको इस ऑर्डर के जिस ऑर्डर के हमको 40 रुपए मिलते थे, उस ऑर्डर के हमको आज 18 रुपए 20 रुपए मिलते हैं बस। और एक लगभग हम लोग जिस तरह पहले से आते थे, पहले आज से 2-3 महीने पहले तो 1000 से 1200 का पर डे का काम कर लेते, आज वही काम हमारा 600 का 700 का होता है मैक्सिमम, यानी कि बिल्कुल आधी ही कीमत हो गई और कंपनी ने भी आधा रेट कर दिया है बिल्कुल उल्टा। लोग तरक्की तरह के काम तरक्की होनी चाहिए, तरक्की तो नहीं हो रही और डिमोशन और होता जा रहा है हमारा। उस टाइम पर डे का हमारा लगभग 300-350 रुपये पेट्रोल चलता है और 600 पे, यानी कि आधी रेट में बस 300-350 काम होता है पर डे का हमारा। लॉकडाउन के दौरान नौकरी जाने के बाद फूड डिलीवरी कंपनी से जुड़े लोगों को अच्छा मौका मिला था, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर इनको बेरोजगारी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। और सर, मैं प्राइवेट सर्विस करता था पहले, तो वहाँ से छोड़ के लॉकडाउन के बाद में बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई। इस चक्कर में मैं जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर आया, मैंने सुना था कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग और इनकम होती है, और अब ऐसा है कि मतलब अर्निंग तो है लेकिन बस जितना पहले बचता था उतना नहीं बच पाता है। पहले हम लोगों को दिन भर के 1000 से 1200 रुपये बच जाते थे, अब 500-700 रुपये बचते हैं। पूरे दिन में मैंने 17 ऑर्डर करे हैं आज, और मेरा 434 काम हुआ जिसमें मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डला चुका हूँ। बहरहाल पहले जहाँ लॉकडाउन ने लाखों युवाओं के रोजगार को छीना, तो अब फूड डिलीवरी का काम करने वाले हजारों डिलीवरी बॉयज ईंधन की कीमतों में वृद्धि के प्रत्यक्ष शिकार हो रहे हैं। यदि पेट्रोल की कीमत ऐसे ही आसमान छूती रही तो इनका संकट और गहरा सकता है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।